हेलो एवरीवन, निशा ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं प्रोटीन सलाद बनाने जा रही हूँ। आज हम लंच में अपने यहाँ यही बना रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। सलाद जो है बहुत ही हेल्दी होता है और न्यूट्रिशियस होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस बर्तन में पानी ले लिया है, इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे। अब छन्नी में हम ब्रोकली डाल देते हैं और थोड़ी सी हम शिमला मिर्च भी डालेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और लिड लगा देते हैं। सब्जियां हमारी स्टीम हो गई हैं। अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके डंठल भी निकाल देंगे हम। अब हम इसमें जो है खीरा डालेंगे। ये हम थोड़ी सी गाजर डालेंगे। ये काले चने डालेंगे। थोड़े से जो है चने और डालते हैं। चिक पीस डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी जो है किडनी बीन्स डालेंगे। ये थोड़े से टमाटर और डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पपीता भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा प्याज डालेंगे। इसमें थोड़ी सी भीगी हुई मूंग की दाल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमने जो है पत्ता गोभी डाल दिया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े सा जो है चुकंदर डाल देते हैं। 2-3 हम मैंने हरी मिर्च काट के डाली है। अब इसे हम ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने लाइम जूस लिया है, उसमें 2 चम्मच मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। ये मैंने काली मिर्च डाल दी है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और डालूंगी। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल देती हूँ। इसको हम थोड़े सा नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं इसमें। अब इसमें जो है हम डालते हैं थोड़ा भुना हुआ जीरा डालेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और डालते हैं। अब इसमें हम ये चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा और डालते हैं चाट मसाला। ड्रेसिंग को जो है हम इसमें पूरी अच्छी तरह से मिला देंगे। पूरी डाल देते हैं। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हमारा धनिया डालते हैं। अब इसमें हम उबला हुआ कॉर्न डालेंगे। और फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। सलाद हमारा बनके तैयार है। अब इसमें जो है थोड़े से मूंगफली के दाने डाल देंगे हम। ये देखिए सलाद मेरा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सैलड्स मेरा बनके तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और बड़ा ही हेल्दी है ये। और मैंने बहुत ही जल्दी इसको फटाफट बनाया है। इसमें वो सभी चीज़ें पड़ी हैं जो है घर में आसानी से मिल जाती हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोटीन सैलड्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।